हर जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लोग पिसते हैं और बच्चों तक का खून बहता है। जो बच्चे बच जाते हैं उनमें से कई शरणार्थी शिविरों में पहुंच जाते हैं। यही हाल अफगानिस्तान में हुआ, यही अब यूक्रेन में हो रहा है। 24 फरवरी से लेकर अब तक यूक्रेन में कम से कम 16 बच्चों की मौत हुई है और 3,50,000 से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है। ये आंकड़ा खुद यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री विक्टर लियास्को ने दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान यूक्रेन के राजदूत ने भी इस आंकड़े को कोट किया। आज तक की खबर के मुताबिक यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने कहा है कि रूस के हमलों में यूक्रेन के 352 नागरिक मारे गए हैं। उसके मुताबिक अब तक 116 बच्चों समेत 1684 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि युद्ध में कितने सैनिक मारे गए हैं। साथ ही यूक्रेन ने यह दावा भी किया है कि 27 फरवरी तक रूस को करीब 4,300 सैनिकों का नुकसान हुआ है और 200 से अधिक रूसी सैनिकों को पकड़ा गया है। उधर रूस ने अपने 4,300 सैनिकों के मारे जाने की खबर को खारिज किया है। उसने यूक्रेनी नागरिकों के मारे जाने को लेकर भी सफाई दी है। उसने एक बार फिर दोहराया है कि वे सिर्फ यूक्रेन के सैन्य संस्थानों पर हमला कर रहे हैं, यूक्रेन की जनता को इससे कोई खतरा नहीं है। यूक्रेन के राजदूत ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि यूक्रेन ने रूसी सैनिकों से संपर्क करने के लिए एक हॉटलाइन चालू किया और 100 से अधिक रूसी परिजनों ने संपर्क किया। उनके मुताबिक कुछ समय बाद ही सैनिकों से संपर्क कराने के लिए जो नेटवर्क स्थापित किया गया था उसे रूस ने बंद कर दिया। इसके बाद यूक्रेन के राजदूत ने कहा, इसलिए अब मैं कुछ टेलीफोन नंबर पढ़ रहा हूं, रूस के लोग अपने सैनिकों को लेकर इस पर संपर्क कर सकते हैं। वही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने उनकी हत्या कराने के लिए कीव में 400 से ज्यादा सैनिकों को भेजा है। द टाइम्स पत्रिका ने जेलेंस्की के हवाले से यह दावा किया है कि उनकी हत्या करने के लिए अफ्रीका से विशेष तरह के सैनिकों को हायर भी किया गया है। इस बीच दोनों देशों में बातचीत की पहल भी हुई है। न्यूज़ वेबसाइट स्पुतनिक के मुताबिक यूक्रेन का एक डेलीगेशन रूस से बातचीत करने के लिए बेलारूस पहुंच चुका है और जल्द ही दोनों पक्षों में बातचीत शुरू होगी। हालांकि बीते शुक्रवार यानी 25 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बेलारूस में रूस से बातचीत करने के प्रस्ताव से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बातचीत की जगह को लेकर कुछ ऑप्शंस भी दिए थे, जिनमें बुडापेस्ट और इस्तांबुल भी शामिल थे। इन सब के बीच अगर यूक्रेन और रूस के बीच जंग जल्द नहीं थमी तो बड़ी संख्या में बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी धीरज ने। मैं हूं सुरभि, कैमरे के पीछे हैं विजय। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।